well now we are entering into something more interesting as i told you okay income and expenditure account and that income and expenditure account comprises of incomes and expenses obviously and those incomes and expenses are worked out based on accruals basis okay you being the student of accounting jockey picture dotin, level key accounting ki hai, very well know what is accrual basis बेसिस मीन आपने अपने पीरियड के साथ मैच करना है अपने उन इनकम को और एक्सपेंसिस को तो एक बेसिस में आप ख्याल रखते हैं इस बात का कि जो इनकम इस साल से मुतल है उसी को आपने इस साल की इनकम बनाना है और जो एक्सपेंस इस साल से मुतल है उसी को आपने इस साल का एक्सपेंस बनाना है इफ यू हैबरशिप फी सपोजली इन एडवांस तो दैट इज नॉट योर इनकम फॉर दिस ईयर

उसको आप अपनी लाइबिलिटी बनाएंगे इस साल की इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वाली बात ओके okay? उसको आप लाइबिलिटी बनाएंगे और अगले साल वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी आपकी इनकम बन जाएगी तो ये है आपका बेसिस इन द सेम वे यू अप्लाई दिस एक बेसिस ऑन एक्सपेंसिस कि आपका एक्सपेंस सपोजली इस साल आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल लास्ट मंथ का पे नहीं किया दैट इज ड्यू ऑन यू आप एक्सपेंस के तौर पर उसको शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकिन साथ ही साथ लाइबिलिटी शो कर देंगे विच विल बी पेड इन द नेक्स्ट डूइंग एज ए स्टूडेंट अब आप इसको लर्न कीजिए यू विल अप योर इनकम और एक्सपेंस फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ठीक है कैश बेस्ड आपने रिसीट से इनकम को उठाया और उसको आपने Accrual के फिल्टर से गुजारा तो एंड क्या आएगा वो इनकम फॉर द ईयर होगी एक्सपेंस के लिए आपने उसको कैशबुक की पेमेंट से उठाया और आपने के फिल्टर से गुजारा तो एंड रिजल्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा कट द पॉइंट अब ये फिल्ट्रेशन देखेंगे कि किस तरीके से होती है वेल well, अब जब आप एनपीओ की इनकम की बात करते हैं तो एन में बेसिकली इनकम उसकी सब्सक्रिप्शन है डोनेशन है एंट्रेंस फी लॉकर्स रेंट मेंबरशिप फी एट्सट्रा कोई रजिस्ट्रेशन फी हो गई ठीक है कोई एडमिशन फी होगी, तो ये हैं इनकम्स वहां पे कोई सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस नहीं हो रही वहां पर आप सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फी इस तरह की आप इनकम्स जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं उस एन के लिए अच्छा इस पर मैं आपके साथ इस वक्त एक छोटा सा स्नैरियो डिस्कस करने जा रहा हूं लाइक सैम्पल लाइब्रेरी है उसने फिफ्टी फाइव थाउजेंड रिसीव किया ये कैश में आपको नजर आ रहा होगा एज सब्सक्रिप्शन क्या हुआ कि ये है आपकी थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी एक्स वन से रिलेटेड कुछ मेंबर्स ऐसे थे उन्होंने पे नहीं किया सब्सक्रिप्शन और उनकी सब्सक्रिप्शन स्टिल ड्यू है अब ये मेंबर्स जो स्टिल ड्यू है वो आपकी इनकम तो बनती है एल जी ये आपकी फिफ्टी फाइव थाउजेंड की रिसीव हुई और जो ड्यू है वो एड कर फ्यू मेंबर्स पेड देयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आपको वो एडवांस में रिसीव हो गई कितनी टू थाउजेंड तो जो इस फिफ्टी फाइव थाउजेंड में टू थाउजेंड एडवांस में रिसीव हुआ है वो आप माइनस कर दीजिए तब देखें जनाब आपकी इनकम फॉर द ईयर क्या है दैट इज फिफ्टी एट थाउजेंड तो यू आप कैलकुलेट करेंगे अपनी इनकम फॉर द ईयर ऑब्वियसली आपको की बेस पर ये कैलकुलेट करना होगा एक्सपेंसेस के बारे में भी मैंने आपसे ये कहा कि आपने उसको भी फिल्टर से गुजारना है कैश से पिक करना है और एकूवल के फिल्टर से गुजारना है ओके okay? अब जब वो एक्रूवल के फिल्टर से गुजरेगा तब वो आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर कहलाएगा उसके लिए बेसिक फॉर्मूला दैट यू हैव ऑलरेडी उसको एक किस्म का आप समझ लेके रिवाइज कर रहे हैं हम जो ड्यूरिंग द ईयर डी टी वाई द ईयर जो एक्सपेंसिस ड्यूरिंग द ईयर आपके पे हुए हैं देखिए लफज पेड का बोल रहा हूं मैं जो पे हुए हैं ऑब्वियसली कैश बुक की पेमेंट साइट पर नजर आ रहे होंगे वहां से आप उसके एक्सपेंसिस पिक कीजिए और अब ये है वो एक् का फिल्टर देखिए कुछ एक्सपेंसेस आपके ओपनिंग डेट पर एडवांस में पे होंगे यानी कि पिछले साल एडवांस में पे हुए थे वो इस साल के एक्सपेंसेस हैं ऐड कर दें साल के अंदर अब मेरी बात गौर से सुनते रहिएगा जो एक्सपेंसेस ओपनिंग डेट पे एडवांस में पे थे यानी कि पिछले साल एडवांस में पे थे इस साल के लिए उसको इस साल का एक्सपेंस बनाने के लिए एक्सपेंसिस में ऐड कर दें कुछ एक्सपेंसिस इस साल के एंड पे पता चला कि ये तो एडवांस में पे किए हैं ड्यूरिंग द ईयर जो पेमेंट है ये वाली आपकी पेमेंट है इसमें एडवांस में पे कर चुके हैं अगले साल के लिए माइनस कर दें इसमें से क्योंकि हम इस साल के एक्सपेंस पे पहुंचना चाहते हैं वेल well, और ये दो बातें हो गई इस साल के शुरू में आपके पास कुछ एक्सपेंस थे ओइंग अब वो जो एक्सपेंस ओइंग थे वो आपने इस साल पे किए होंगे ना पिछले साल के ओइंग थे जो इस साल के शुरू में ओइंग है, पिछले साल के वो असल में एक्सपेंस थे जो कि पिछले साल पे नहीं कर सके थे इस साल में आप उनको पे कर रहे होंगे अब उनका ताल्लुक इस साल से नहीं है बिलोंगिंगनेस उनकी पिछले साल से कैश पेमेंट इस साल में हो रही है तो हम उसको यहां से माइनस कर देंगे और इस साल के एंड पर आए कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो इस साल से मुताल हैं लेकिन यू डिड नॉट पे ड्यूरिंग द ईयर उसको एक्सपेंस में शामिल करें लाइबिलिटी बनाए अगले साल पे होंगे गॉट द पॉइंट सो दिस इज हाउ यू फिल्टर योर कैश पेमेंट टू मेक एक्सपेंस ये है एक्टर जिससे अल्टीमेटली वो कैश पेमेंट एक्सपेंस बन जाती है इसी तर्स पे आप इनकम का भी फिल्टर देख लीजिए बिल्कुल एग्जैक्टली exactly यही चीज आप अप्लाई करेंगे इनकम जो रिसीव हुई ड्यूरिंग द ईयर उसको आपने इनकम फोर द ईयर बनाना है अब फोर द ईयर करने के लिए वही एक फिल्टर आप उस पर अप्लाई कर रहे होंगे जो ओपनिंग एडवांस पिछले साल में रिसीव हुई थी उसको पिछले साल की इनकम तो नहीं बनाया था इस साल की इनकम बनाए ऐड करें ओके okay? और जो इस साल के एंड पर आपको एडवांस में किसी ने पे कर दिया दैट इज अगेन नॉट योर इनकम फॉर द ईयर शुड बी प्रेजेंटेड एज योर इनकम इन द नेक्स्ट ईयर सो इफ यू हैव रिसीव्ड इन एडवांस एंड दैट यू गेट टू नो एट द एंड ऑफ योर रिपोर्टिंग पीरियड िटी नॉट इनकम इनकम से माइनस करें तो वो आप इनकम में से माइनस करेंगे और लाइबिलिटी में शो करेंगे ओके okay, अब आप आज है ओपनिंग डेट पर जो आपकी एक इनकम ड्यू थी इनकम रिसिवेबल थी, थी जो ओपनिंग डेट पर वो असल में क्या थी पिछले साल की वो क्लोजिंग डेट की इनकम ड्यू थी तो पिछले साल की इनकम में तो शामिल हो चुकी है इस साल वो रिसीव अगर हुई है तो रिसीव होने की बुनियाद पर हमारी इस साल की इनकम में शामिल नहीं होगी माइनस कर दें रिमेंबर आपने यहां पे रिसीव्ड की अमाउंट ली हुई है इसलिए उसमें वो शामिल हो चुकी है माइनस करना बनता है और उसके बाद इस साल से मुतालक जो इनकम है दैट यू हैव नॉट रिसीव्ड बिलोंग्स टू योर करंट ईयर शुड बी एडिट इन योर इनकम रिसीव्ड अमाउंट सो दैट यू गेट The correct amount of income for the year. So, this is how you pass your receipts through the filter of accruals to get the amount of income for the year. Thank you.